हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो कि भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के किसानों के लिए निकल के सामने आ रही है, जहां पर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके बाद में पूरे देश के किसानों को राहत और तोहफा मिल चुका है, क्योंकि मोदी सरकार पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है और पूरे देश के किसानों को कर से मुक्ति देने जा रही है। और इसी कारण पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पूरे देश के किसानों को सौगात मिल चुकी है, जिसके बाद में पूरे देश के किसानों का भला हो चुका है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि किन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और कैसे कर्ज माफ किया जाएगा। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिले। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद में पूरे देश के किसानों को तोहफा मिल चुका है और पूरे देश के किसानों को राहत मिल चुकी है। तो प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना को लेकर पूरे देश के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मलिक ने बहुत ही बड़ी यहां पर मांग की है भारत सरकार से, यानी केंद्र सरकार से, जहां पर धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि सभी किसानों का कर्ज माफ किया। और ये बहुत ही बड़ी मांग भारत सरकार यानी मोदी सरकार से कर लिए। तो दोस्तों, आप सभी को ये बता दें तो धर्मेंद्र मलिक ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि कृषि सेक्टर के तहत फसलों पर लिए गए किसानों के मौजूदा क्रॉप लोन को माफ किया जाए, यानी कर्ज को माफ किया जाए, क्योंकि इस साल तो किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में किसानों को पैसों की किल्लत सता रही, और इसी कारण पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाए और उन्हें ऋण से निजात दी जाए। ये बहुत ही बड़ी मांग है धर्मेंद्र मलिक ने, और इसी के साथ उन्होंने आह्वान किया है भारत सरकार से कि किसानों के हित में बहुत ही बड़ा कदम जल्द उठा और पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करे मोदी सरकार। ये बहुत ही बड़ा यहां पर सुझाव दिया है धर्मेंद्र मलिक ने, और इसी के साथ ही पूरे देश के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, जहां पर दोस्तों यदि इस बात पर गौर करती है और इस बात को मान लेती है भारत सरकार, तो पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और पूरे देश के किसानों की आर्थिक तंगी को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद में पूरे देश के किसानों को राहत मिल जाएगी और पूरे देश के किसानों को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और इसी कारण दोस्तों पूरे देश के किसानों को बहुत ही बड़ा मोदी सरकार का तोहफा मिलने जा रहा है और पूरे देश के किसानों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और वहीं दोस्तों, आगे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के जो है समन्वयक विवम सिंह ने बड़ी बात कही और कहा है कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो चुके हैं, तो छोटे किसानों के कर्ज क्यों माफ नहीं कर रही है मोदी सरकार। ये बहुत ही बड़ी बात कही है मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को, जिसके बाद में केंद्र सरकार पर दबाव बनाया गया है किसानों की तरफ से, और कहा गया है किसानों के यहाँ पर जो है संघ की तरफ से कि जल्द से जल्द पूरे देश के किसानों को कर्ज से राहत दी जाए और पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाए। और वहीं दोस्तों, यहां पर आपको बता दें उन्होंने यह भी कहा है कि छोटे किसानों की कर्ज माफी कर दे, हम यह नहीं कहते कि बड़े किसानों का कर्ज माफ करें, लेकिन जिनके पास एक से दो एकड़ की जमीन है कम से कम ऐसे किसानों के कर्ज तो माफ कर दे भारत सरकार। ये बहुत ही बड़ी बात कही है भारत सरकार को यहां पर किसान संघ ने, और इसी के साथ ही किसान संघ ने
बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा लिया है किसानों के हित का, जहां पर उन्होंने कहा दिया है मोदी सरकार को कि जल्द से जल्द पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए और पूरे देश के किसानों को कर्ज से निजात दे दी जाए, जिसके बाद में पूरा देश के किसानों को राहत मिल जाएगी और पूरे देश के किसानों की आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही बड़ा सुझाव दिया जा चुका है किसान संघ की तरफ से और इस बात पर अब जो है गौर करिए भारत सरकार। और जैसे ही दोस्तों भारत सरकार इस पर मोहर लगा गई तो पूरे देश के किसानों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिल जाएगा और पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप सभी को ये बता दें तो पूरे देश के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और पूरे देश के किसानों की संपूर्ण किस्ती को माफ कर दिया जाएगा और पूरे देश के किसानों को इसके बाद में सौगात मिल जाएगी। तो दोस्तों इस सब प्रकार से प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी, जहां पर मोदी सरकार से बहुत ही बड़ी मांग की किसान यूनियन ने और कहा है कि जल्द से जल्द पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाए और पूरे देश के किसानों को कर्ज से मुक्ति दी जाए। तो दोस्तों इस सब प्रकार से ये पूरे देश के किसानों के लिए आ रही बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में संपूर्ण जानकारी रही है। तो दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वह भी कर्ज माफी का फायदा ले। और साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी किसान कर्ज माफी की हर एक जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।